आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। अमरोहा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज लोकसभा प्रत्याशी कबर सिंह तंवर ने किया नामांकन। गढ़ के लोकसभा अमरोहा कलेक्ट्रेट में लोकसभा प्रत्याशी कबर सिंह तंवर ने नामांकन किया। साथ में चौधरी भूपेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष चेयरमैन हापुड़ के पति प्रमोद, नगर भारतीय जनता पार्टी गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा से विधायक हरेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष हापुड़ व भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन अमरोहा के कलेक्ट्रेट में किया गया। अभिषेक कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट। नामांकन किया गया तो कहाँ पर किया गया है और कितने लोग जो हैं उत्साहित हैं कि आज नामांकन होने के लिए? आज बहुत लोग गए थे, जनता जिनको खुशी थी तो कई हजार लोग थे जो वहाँ गए और हमने बाहर रहे पर हम नामन कर करके वहाँ कलेक्ट्रेट में और सिर्फ बातचीत भी लोग चाहते हैं कि आपकी बार जो लोकसभा में आप ही पहुँचे, लोग खुशी मना रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना है? देखो जी, ऐसा है इस बार तो मैं जो देख रहा हूँ वो मोदी जी के नाम से ज़्यादा हैं लोग। मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया है वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी सरकार ने इतने काम नहीं किए। लोगों को खुशी है। मेरा जिला बहुत पीछे है गंगा के पार जो इधर है, तो यहाँ पर ना तो बिजली थी ना यहाँ पानी के लोगों के साधन थे, पीने का पानी भी नहीं था। तो आज यहाँ बिजली, पानी, रोड, ऐसी सुविधा कभी हुई नहीं। देश आज़ाद हुआ तब से इतनी बड़ी सुविधा जो आज हमें मोदी जी ने दी है, लोगों को जो 6-6, 8-8 घंटा लगते थे दिल्ली से यहाँ आने के लिए, आज 2-2.25 घंटे में दिल्ली से गाड़ी यहाँ आ जाती हैं। और दूसरी बात, जो जनता को लाभ मिल रहा है, गरीबों को लाभ मिल रहा है, किसानों को लाभ मिल रहा है, किसान को जो सम्मान निधि मिल रही है, सम्मान राशि जो मिलती है वो, और दूसरा आज राशन जो हमारी सरकार दे रही है उसका भी हमारे इलाके में बहुत फर्क है, क्योंकि ये इलाका इतना ज़्यादा थोड़ा सा गंगा से इधर उधर कमज़ोर है। तो मैं ये कहता हूँ छोटे किसान हैं तो इसलिए यहाँ की जनता बहुत खुश है मोदी जी के काम पर, और हम यहाँ सेवा करते ही रहते हैं तो लोग आज उत्साह था। अब आज उत्साह के चक्कर में आज हमने नामकरण गए थे तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ हुई थी। ये सबसे बढ़िया मोदी जी का काम है। मोदी जी ने किसी जात वात की बात नहीं, सबका विकास जो है इसमें सभी जाति, सभी धर्म, देश का विकास, भारत का विकास, वो सब आज माननीय मोदी जी कर रहे हैं। जैसे कि देखा गया है गढ़ मुक्तेश्वर विधानसभा में एक स्कूल पड़ता है, उस स्कूल में भी आपके द्वारा काफी सराहनीय कार्य किए गए और भी कार्य किए गए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आपको सांसद भेज दिया गया, संसद बन गया तो जो है उसका ये कहने से रहेंगे और भी ज्यादा होंगे। मैंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है, मैंने अपने पास से भी यहाँ स्कूल बनवाया है, जो अमरोहा का विद्या भारती का जो स्कूल है वो भी मैंने बनवाया है, जो अभी नया बना है, नई बिल्डिंग बनी है। और मैंने गढ़ में भी काम किया, मैंने हसनपुर में भी काम किया, मैं अपने पास से करता रहता हूँ ये काम। आज जो नामांकन हुआ है तो कौन सी पार्टी से हुआ, किसका हुआ है, कहाँ पर हुआ है? आज माननीय कौर सिंह तंवर जी का भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी जी इसमें मौजूद रहे थे। कौर सिंह तंवर साहब ने जो है नामांकन किया है और नामांकन के नाम पर ही आप समझिए लगभग 15,000 से 20,000 लोगों की भीड़ जो है, इतना उत्साह है इस चुनाव के प्रति, कौर साहब के प्रति लोगों में, कि लगभग 15,000 से 20,000 लोग एकत्रित। जैसे कि देखा जा रहा है कि लोग राम राम जप रहे हैं चारों तरफ, तो क्या माना जाएगा? राम राम जिन्होंने 500 वर्ष से चला हुआ भगवान राम का भी वनवास खत्म कर दिया हो, आप समझिए उनके लिए राम राम नहीं चलेगा और क्या। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।